जी नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम। मैं रविंद्र उर्फ गब्बर यादव, राजद किसान प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष, आप लोगों के बीच आज उपस्थित हुआ हूं। सभी भाई, अभिभावक, नौजवान साथी को मेरा आदाब, नमस्कार, प्रणाम। बंधुओं, कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि सिवान के अंदर विभिन्न प्रकार के लोग आकर के कहीं भी मीडिया में, कहीं भी फेसबुक लाइव आकर के अनाप शनाप बके जा रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं, है ना साहब, राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा के उम्मीदवार नहीं हो पाई, मुझे भी बहुत दुख है, क्योंकि मैं भी उनका कार्यकर्ता या पार्टी के पदाधिकारी हूं। लेकिन जो फयाज साहब गए हैं, वो भी एक माइनॉरिटी समाज से आते हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय था, वो सभी लोग मानते हैं, और लालू जी एक विचारधारा है, और राजद जो है अब ए टू जेड की पार्टी हो गई है। आप लोग देख लीजिए, उठा करके समीकरण के अनुसार दो मुस्लिम समाज से राज्यसभा गए हैं राजद के अंदर, एक ब्राह्मण, एक भूमियार, एक वैश्य समाज से, और एक यादव। तो पार्टी जो है अब परिवर्तन हुआ है, फिर भी एमवाई समीकरण का ध्यान रखा गया है, क्योंकि दो मुस्लिम समाज से राज्यसभा है। लेकिन सिवान के अंदर कुछ लोग आ करके हाय तुबा मचा रखे हैं, एक विशेष जाति को टारगेट करके, वो भी विशेष करके यादव समाज, मेरे जाति के लोगों को टारगेट करके लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं। शायद उनको पता नहीं होगा, ये लोग कतई है ना साहब का समर्थक नहीं हो सकते हैं, राजद के समर्थक नहीं हो सकते हैं। ये लोग बहुत गलत और भद्दा टिप्पणी किए हुए हैं, हम लोग उस तरह का बिहेव नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं उन सभी भाइयों को बता देना चाहता हूं कि राजद में यदि मेरा मर्जी नहीं होगा राजद में रहने का, तो कोई जबरदस्ती नहीं रख सकता है हमको। तो जिन बंधुओं को राजद में रहना है वो रहे, जिनको नहीं रहना है वो पार्टी छोड़कर चले जाए। लेकिन जातीय टिप्पणी करने पे मैं कृष्ण का वंशज हूं, कृष्ण जी का जन्म जेल में हुआ था, कभी मैं संघर्ष से भागा नहीं हूं। और जब जातीय टिप्पणी होगा तो जिस दिन हम रोड पर उतर जाएंगे, जगह नहीं मिलेगा छिपने के लिए। इसलिए मेरे भाई, मेरा आग्रह निवेदन है कि जातीय गाली गलौज बंद करें। और लालू और तेजस्वी जी का कई लोग बोल रहे हैं कि नेनुआ बेचवा देंगे, लालू और तेजस्वी जी के औकात जानने के लिए उसको अभी कई पूछ लगेगा पढ़ने में। कुछ लोग बयान दे रहे हैं कि राजद की झंडा नहीं सिवान में दिखाई देगी, कहां से वो बोल रहे हैं, ये लोग कहां से आ गया है, ये जो लोग बोल रहे हैं ये लोग कहां आप पैदा हुआ है, ये लोग नहीं पहचान पा रहे अपने समय को, ये लोग क्या चाह रहे हैं, कहां से आकर के ये बयान दे रहे हैं। आपको पार्टी में रहना है तो रहिए, नहीं रहना है मत रहिए, ये लोग पार्टी का पदाधिकारी नहीं हो सकता है, और मैडम हेना का ये लोग समर्थक नहीं हो सकता है। जिस तरह से मैंने भूल करके, मैंने अपने भाई का हत्या भूल करके, तेजस्वी जी के कहने पर, हेना साहब के कहने पर मैंने राजद ज्वाइन किया था, चिल्ला चिल्ला कर गांव में मैंने वोट मांगा था कि हेना साहब को जिताइए। जितना दिन शहाबुद्दीन साहब जिंदा थे मैं उनके विरोध राजनीति करता था, लेकिन जब शहाबुद्दीन साहब बुरे दिन में आए तो मैंने उनका मदद किया, और मैंने उनका समर्थन करके उनके पत्नी को चुनाव जिताने के लिए अपना एक एक मेहनत और खून कतरा और अपने रिश्तेदार लोगों को लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन इन नरेंद्र मोदी के लहर में मैडम चुनाव हार गई, बहुत तकलीफ और दुख है हम लोगों को। क्या ये राजनीतिक बात हो रही है, मोटरसाइकिल छीनने वाला, पॉकेट मारने वाला आकर के बयान देता है कि लालू यादव और तेजस्वी को मिट्टी में मिला देंगे, उसकी औकात है कि लालू और तेजस्वी को मिट्टी में मिला देगा सिवान में, कहता है कि सिवान में राजद की झंडा जो दिखाएगा उसका मैं चमड़ा उधेर दूंगा। अरे कहां पैदा हुए हो तुम, 7 बार जन्म लोगे तो तुम राजद को नहीं रोक सकते हो सिवान में।
इसलिए अवकात में रहो और अवकात की बात करो। यदि तुम मैडम के शुभचिंतक हो तो अवकात में रहकर बात करो, क्योंकि फिर चुनाव आने वाला है, आपके वोट से राजद बनता है। आपको किसने बनाया आपने नहीं सोचा है, आपको पूरे पहचान दिया राजद ने। लालू यादव के बदौलत आप लोग जाने जाते हैं। ये बात हमारे लोकप्रिय नेत्री हैना साहब कहती तो हमको कतई दुख नहीं होता, इसलिए कि आज भी उनके लिए मेरे दिल में जगह है, ओसामा साहब के लिए जगह है। लेकिन ये जो उनके नाम पर उनको बदनाम करने का जो प्रयास चल रहा है, मोटरसाइकिल छीनने वाला, पॉकेट मारने वाला जो आकर बयान दे देता है फेसबुक और यूट्यूब पर, मैं वैसे पॉकेट मारों को कहता हूं कि बिल में घुस जाओ, नरेंद्र मोदी से लड़ने की तुम्हारी औकात नहीं है। देश में आज जादू समाज लड़ रहा है तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए हम लोग गाली सुन रहे हैं पूरे देश में। इसलिए मेरा यह हाथ जोड़कर आग्रह और विनती होगा कि लालू और तेजस्वी को देखने की, औकात नापने की आपकी हैसियत नहीं है, वो हैसियत सिर्फ नरेंद्र मोदी में है जिससे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपको जहां रहना है वहां रहिए, जादू समाज को गाली मत दीजिए। कृष्ण के वंशज हैं हम लोग, 56,000 करोड़ कट गए थे महाभारत में, आप तो बहुत बच्चा हैं, आप पे कोई इतिहास ही नहीं है, कहां से आए कहां पैदा हुए हैं। इसलिए आप यहां, मेरे ये आग्रह निवेदन होगा कि आप दो पलवार के बीच, हैना साहब और लालू यादव के पलवार बीच आप आग लगाने का काम मत कीजिए। आपका पार्टी में कोई दैत्य है, दैत्य है तो आपको गलत लगता है तो इस्तीफा देकर चले जाइए, वरना दैत्य नहीं है तो आप मत बोलिए राजद के विरुद्ध। यही मेरा आग्रह निवेदन है सिवान के उन सभी महान जनता जनार्दन, आज जो भी विपक्ष में बोल रहे हैं भाई, इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा, आप लोग सिर्फ बर्बाद करने पर तुले हैं। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल।